अपने देश में ही ठीक थे। किसी तरह कमला और उसका पति लंदन का खाना खाते हैं, लेकिन कमला वहां पहुंचने के बाद बहुत उदास थी और जल्दी वापस अपने घर आना चाहती थी। कमला और उसका पति दो दिन लंदन घूमते हैं और उसके बाद जब वापस आने लगते हैं, देखो तो यहाँ होटल के कमरे में कितने सुंदर सुंदर शैम्पू लोशन हमें मिल रहे हैं। मैं ना ये सब लेकर चलती हूँ, बहू देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और मैं भी बड़े शान से दिखाऊंगी उसे ये सब। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे क्यों जी, जब हम अपने देश में किसी होटल में रुकते हैं तो वहाँ भी तो शैम्पू की बॉटल, लोशन, क्रीम, टूथपेस्ट सब भर भर कर लाते हैं, तो यहाँ से ले जाने में क्या बुराई है? अरे कमला, ये हमारा देश नहीं लंदन है, यहाँ पर ये सब करना अलाउड नहीं होता। अगर तुमने अपने बैग में इन सब चीजों को रख कर ले जाने की कोशिश की तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, होटल का स्टाफ हमें होटल से बाहर ही नहीं जाने देगा। अरे बड़ा अजीब देश है, इससे तो अच्छा हमारा देश ही है, वहाँ पर कम से कम जो भी चाहो होटल से उठाकर चुपचाप घर ले जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। हाँ कमला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब यहाँ तो यहीं के हिसाब से चलना होगा ना। अगले दिन कमला और उसका पति वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। क्या हुआ माँ, कैसा लगा लंदन? बहुत मजा आया होगा ना? अरे बेटा रहने दो, तुम्हारी माँ तो लंदन जाकर पूरी तरह परेशान हो गई। ऐसी क्या बात हो गई मम्मी जी, आप तो बहुत खुश होते हुए लंदन गई थी ना? अरे एक तो तुम्हारे ये कपड़े, जींस टॉप पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कपड़ों में फंस गई हूँ। लेकिन माँ, रश्मि ने तो आपको लंदन जाने के हिसाब से ही शॉपिंग करवाई थी ना? अरे मुझे नहीं पहनना ये जींस टॉप, मेरी तो कमर में दर्द हो गया और पैरों में ऊंची एड़ी के जूते पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तो पैर ही गायब हो गए हैं, कितना दर्द कर रहा है। जानते हो, तुम्हारी माँ को तो वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं लगा, कह रही थी कि छोले पूरी खाना है। अरे माँ, लंदन में कहाँ छोले पूरी, वहाँ तो वहीं के जैसा खाना खाना पड़ता है। अरे आगे से ना ना तो मुझे लॉटरी का टिकट खरीदना है और ना ही लंदन जाना है। और बहू, तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना दो, वो खा लूंगी तो शायद मेरा लंदन जाने का दुख थोड़ा कम हो जाए।